ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए ये गीत बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावी वश भक्तों को भक्ति करनी है, जब भक्ति पूरी होती है तब ही बाप आते हैं। कितना दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता है। बहुत समय हो जाता है अगर कोई तीर्थ स्थान या गुरु आदि, काफी उनका प्रचलन हो जाता, बहुत उनकी पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत समय हो जाता है तो भी गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधुओं आदि के भी स्टैंप बनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, ये सब है। इसको बाबा क्या मानते हैं, स्टैंप आदि बनाना करना, ये सब है बर्थडे मनाना, ये क्या है? ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भव का। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले चलते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी ये महिमा किसकी है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उनको सेमी कहेंगे। फुल पूज्य फिर 2 कला कम होने से सेमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सेमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है, पूज्य बनाने लिए बाबा को आना पड़ता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। पहले पार्ट क्या था, पुजारी थे, दर दर ठोकर खा रहे थे, अब उससे छूट गए। अब बाबा हमें आकर क्या करते हैं, सबसे पहले नशा चढ़ाते हैं, अब बाबा विश्व का मालिक बनाते। विश्व तो ये भी है, वह भी होगी, वहां मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, एक धर्म होता है। अनेक धर्म होने से ही हंगामा होता है। अब बाबा आया है, फील करें हम ये बात, बाबा आया है किस लिए? अपने अपने मन से पूछें, बाबा आया है किस लिए? बाबा आया है लायक बनाने, ये हम फील करें ना, लायक बनाने आया है तो खुद को महसूस होगा, सचमुच मैं इतना लायक बन रहा हूं या बन रही हूं। बाबा कितना ऊंचा बना रहे हैं, विश्व का मालिक। हमने कभी सोचा था हम विश्व के मालिक बनेंगे? जिस जिसने सोचा हो जरा हाथ उठाओ। ज्ञान में आने से पहले हम विश्व के मालिक बनेंगे? किसी ने भी नहीं, अपने घर के भी मालिक नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं तो बाल बच्चे कहते हैं घर से बाहर निकलो, और बाबा देखो कितना ऊंचा नशा चढ़ाते हैं। ये स्मृति बनी रहे,
नशा माना, सारा दिन ये स्मृति में रहे, बाबा मुझे क्या बनाने आए हैं। आज सारा दिन ये अभ्यास करें, जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना भी कल्याण करेंगे। देखना है कि कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है उनको ख्याल रहता है, ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाएं, समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं। भारत को स्वर्ग बनाना है, प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो हैं वह तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, जो बाबा ने चित्र बनवाए हैं उनका महत्व और जो दुनियादारी में मेले आदि लगते रहते हैं वो तो क्या है, आजकल एक तरह से फैशन ही हो गया, ये भी एक तरह से टूरिज्म की तरह है, चलो घूमने जाना है, कहां जाएं, चलो फलाना तीर्थ कर आते हैं। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं, अब बाबा किनको याद करता है, उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, कैसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इस ही बात में लगी रहे, इन चीजों का बहुत शौक रहता है। मौत तो अचानक आता है, अगर कहां बाबा सेवा की बात, नशे की बात, साथ ही साथ सावधानी, हमारे ब्राह्मण जीवन में कितना बैलेंस चाहिए। अब सावधानी कौन सी है, मौत तो अचानक आता है, अगर जुत्ती आदि की याद में रहे और मौत आ गया तो क्या होगा, तो क्या होगा मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहां तो बाप कहते हैं क्या करो, क्या करो, देह सहित सबको भूलना है, ये भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, भाई सब सुन रहे हैं ना, बहने सब थोड़ा एक्टिव होके बैठो, जागती ज्योत आपके आसपास जो थोड़ा ऐसे हैं, देखो ये बहन कितनी अति इंद्रिय सुख में है, एक्टिव होकर बैठो। बाबा के कितने मधुर महावाक्य हैं, ऐसा नहीं मुरली पढ़नी है, हम सबका ये स्वभाव हो गया बस मुरली पढ़नी है पढ़ लेते हैं, लेकिन इस मुरली का रस और मुझे कोई एक बात जरूर आज दिन में ऐसी याद रह जाए जिसका मैं अभ्यास करूं, ठीक है ये बात या नहीं, क्या विचार है आप सबका, ठीक है तो थोड़ा एक्टिव होके बैठे, कुर्सी पर बैठे हैं, बाबा ने बहुत अच्छा अच्छा हमें सिंहासन दिया है, पर एक्टिव होकर बैठे। तो बाबा ने कहा ये भी तुम समझते हो कि बाप कौन है, सोचो कितना ऊंचा बाबा हमको पढ़ा रहा है, माना ये सिंपल एक सेंटेंस नहीं है, तुम समझते हो बाप कौन है। अभी हम सब बैठे हैं, मान लो अचानक यहां दादी आ जाए, हम सब कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे,
भले ठीक बैठे हैं तो भी सब थोड़ा ऐसे ऐसे होके बैठ जाएंगे, करेंगे या नहीं करेंगे बताइए, करेंगे? और हमें कौन पढ़ा रहा है? तो सचमुच हमें ये महसूस हो, ये भी तुम समझते हो कि बाप कौन है। कोई से पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, पूछें अपने आप से पूछें, आत्माओं के बाप को जानते हो? कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं भगवान को, याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं, देवी की पूजा की और कुछ मिल गया तो बस उन पर कुर्बान हो जाते हैं। होता है ना ऐसे ही आस्था बैठती है, किसी मंदिर में गए, गुरुद्वारे में गए, कहीं गए, इच्छा पूरी हो गई, मनौती पूरी हो गई, समझेंगे बस यहां से तो सब कुछ मिलता है। उसके बाद सेकंड ग्रेड, फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, स्थान से प्राप्ति, फिर उसके पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है, जो लक्ष्य है उसको भूल जाते हैं, फोकस कहां रहना चाहिए। तो ऐसे ऐसे गीतों पर, कौन सा गीत था आज मुरली में, तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी, बाप गरीब निवास है, उनको जोर से उठाना है। शाहूकार तो कोटों में कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है, यहां क्या है, मनुष्य से देवता बनना है। हो गया प्रिंट? कहेंगे ये तो मालूम ही है, सचमुच ये प्रिंट हो जाए, हम देवता बनने आए हैं, देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और कौन पढ़ा रहा है? यहां तो मनुष्य से देवता बनना है, बाप से वर्षा मिलता है, पहले पहले तो बाप को जानना चाहिए कि वह हमको पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, आज देखो बाबा ने किसकी भेंट की है, कैसे की है, अलग अलग बात में बाबा कहते रहते हैं, कभी बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कह देते हैं, कभी कहते हैं भगवान को नहीं जानते, कभी आत्मा की किसी बात पर कहते हैं, आज बाबा ने किससे भेंट की है? इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं। मुरली तो 69 से पहले की है, जब बहुत थोड़े से भाई बहन थे, और अब तो देखो कितने हैं, देखते भी हैं, इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, ये भी समझते नहीं। समझा पत्थर बुद्धि कैसे हैं? अब हम महसूस करें, सचमुच मुझे ये लगता है बाबा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, तीनों एकदम सामने इमर्ज हो जाए। एक दूसरा गीत भी है आज की मुरली में, बाबा ने एक दूसरा गीत याद किया। पहले तो गीत था नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, अब इससे मिलता जुलता दूसरा गीत कौन सा है? एक दूसरा गीत भी है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, चित चैन जहां पाए, वह भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही, भगवानो वाच, ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इनको दैवी संप्रदाय बनाता हूं, फिर मनुष्यों की कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती? बाबा की मुरली कब की है? और आजकल क्या होता है,
कुछ भी हो जाए, कहीं घपला हो जाए, गबन हो जाए, लफड़ा हो जाए, कमेटी बना देते हैं। और बाबा एक ही बात, बच्चे है ही आसुरी संप्रदाय, इनकी कमेटियां क्या करेंगी? कमेटियां आदि ये कार्य कैसे कर सकती हैं? यहां तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते हैं तुम पतित हो, अब हमारा ज्ञान क्या है? बुद्धि की बात है, बुद्धि ही रियलाइज करती है। अब भगवान क्या कहते हैं? तुम पतित हो, तुमको भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूं। अब देखें, मुझे महसूस हुआ मैं देवता बन रहा हूं। इस समय सभी पतित हैं, पतित अक्षर ही विकार पर है। सत्युग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशियस। कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उनमें ग्लानी कर दी है। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उनके लिए भी क्या क्या कहते हैं? अभी तुम जानते हो बाबा हमको कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परमपिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। हम थे कहां, कहां से कहां बाबा हमको उठाते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, बच्चे अब क्या करना है बच्चों को? बच्चे तुमको अब अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सजे नहीं हैं, वह फिर औरों की लाठी क्या बनेंगे? भल करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बारी मां बाप कहा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबर वार पद तो है ना, चलन से भी कुछ मालूम पड़ जाता है। फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। ऐसे नहीं, कई बार तंग हो जाते हैं ना, फिर हम क्या कहते हैं? कोई हमें बार बार कहता रहे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, बाबा देखो कितना समझाते हैं, बाबा देखो क्या कहते हैं, तो फिर कभी कभी क्या कह देते हैं? ऐसे नहीं, जो मिला सो ठीक है, कहेंगे अच्छा ठीक है, हमें जो बनना होगा बन जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, पढ़ाने वाला कितना ऊंच है तो मुझे भी क्या बनना है। पुरुषार्थ से ऊंच प्रारब्ध मिलनी है, बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। अब ये है पूरी सृष्टि का ज्ञान का कॉन्सेप्ट, ये हमें बहुत गहराई से समझ में आना चाहिए। ये कर्म क्षेत्र है, कर्मों का बीज हम बो रहे हैं। जब बीज बो रहे हैं तो कैसा बीज बो रहे हैं? फिर हम ऐसा ना, अरे ऐसे कैसे हो गया? कर्म क्षेत्र है, बाबा हमें सावधानी देते हैं, चेतावनी देते हैं। इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। यहां कर्म बिगर मनुष्य रह न सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, बहुत हठ करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला? मुफ्त आयु गवाते हैं। कोई कोई कर लेते हैं ना, आग पार कर लेंगे, पानी पर चल लेंगे। अब 5 साल 10 साल ये अभ्यास किया, अब मान लीजिए आपको कोई नदी कोई सागर पार करना है
भाई वो कितना पैसा लेगा, नाव से पार गए 2 रुपया 10 रुपया, अरे 5 साल में केवल 10 रुपये की साधना की तो समय व्यर्थ गया ना। तो कभी भी हम बाबा के बच्चों को भी इन बातों के आकर्षण में नहीं आना चाहिए। कभी कभी आ जाते हैं, कहते हैं अरे वो फलाना देखो पानी पे चल लेता है ऐसा, हमारी साधना ये नहीं है। परंतु फायदा क्या मिला, मुफ्त आयु गवाते हैं। भक्ति की जाती है किस लिए? भक्ति की जाती है रावण के दुख से छूटने के लिए। छूट कर फिर वापिस जाना है इसलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, दोनों ही पास्ट हो गए हैं। भारत सुख धाम था, अब नरक है, तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नरक में हो ना। हेवन के अगेंस्ट हेल है, बाकी वह तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं, अपने को आपे ही सिद्ध करते हैं हम हेल में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध कर बताना है। ये प्रदर्शनी तो बहुत काम कर दिखाएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं, स्वर्ग में ऐसी बातें होती ही नहीं, वहां तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। आज बाबा कितनी बार, बच्चे कहां चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, अरे बोलो तो सही, कहां चल रहे हो? स्वर्ग में चल रहे हैं। आज सारा दिन ये खुशी रखनी है और उस स्वर्ग का मालिक बनाने ही बाबा आए हैं। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो। तुम कहेंगे, अब फिर बाबा पक्का कराता है, भूल ना जाना, तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के मालिक हम बने हैं, फिर अब बन रहे हैं। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं, इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, मां बाप को फॉलो कर अच्छा पद पा लो। कभी ये ना सोचें कहां तक पुरुषार्थ करें, कितना पुरुषार्थ करें, हम तो पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। नहीं, कौन सी लिमिट है, कौन सा क्राइटेरिया है, कौन सा नाप तोल है, कितना पुरुषार्थ करना है, कितना करना है, हर चीज का नाप तोल है ना। भाई मुझे भूख लगती है, मैं 2 रोटी खाती हूं। भाई कपड़ा चाहिए, 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ऐसे ही पुरुषार्थ कितना करना है, क्या नाप तोल है, क्या नाप तोल है। बाबा ने बताया ना अभी, मां बाप को फॉलो करो। ऐसे नहीं, मैं तो बहुत पुरुषार्थ करती हूं ना, राइट है, मैं बहुत करती हूं, लेकिन कितना करना है, कितना करना है, मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ करना है। मां बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन को सुधारो। बाप तो राह बताते हैं, बाबा कह भी देते हैं, और फिर देखो वेरी नेक्स्ट मोमेंट कितना बच्चों को रिलैक्स कर देते हैं। अब कोई सोचे अरे इतना तो हम नहीं कर सकते, बाप तो राह बताते हैं, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो? सिंपली बाबा राह बताते हैं।
जास्ती, अब क्या पुरुषार्थ क्या करना है, कैसे फॉलो करें मां बाप को, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिले सो खाना है, हबश है, हबश माना लालच, हबश है, कर्म इंद्रियां वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। तो ऐसे ऐसे गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो, आज देखो कितनी स्मृतियां बाबा दिला रहे हैं, हम कौन है, तुम हो शिव बाबा के परिवार, आया हो गया याद, क्या कहा बाबा ने, कौन हो, कौन हो, कौन हो, बोलो भाई, सो रहे हैं क्या, शिव बाबा के परिवार। फिर अब क्या चाहिए, निश्चय, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, अब ये देखें सचमुच ऐसा मुझे फील होता है, इतना मेरा निश्चय है, या कभी कभी कुछ कुछ और दिखा रहे, इससे तो हम वहां होते, इससे तो हम वहां होते, शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं, और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे, 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते हैं, शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं, तुम जानते हो हम सांवरे से गोरा बनते हैं, स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर वन, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता है, पूरे पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए हैं, सूर्यवंशी देवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं जो श्री कृष्ण पहला नंबर था उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको श्री कृष्ण बनाता हूं। अच्छा अच्छा, बाबा ने कितना नशा चढ़ा दिया, कौन हो, शिव बाबा के परिवार के हो, स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो, एकदम क्लाइमेक्स पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स पर या नहीं, दिल दिमाग से, अगर सचमुच हमें ये महसूस हो हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं, सारी थकान सब बातें पीछे खत, एक बार अपने को दिल से कहो, अंदर ही अंदर मन में कहो, बाबा मुझे विश्व का मालिक बनाने आया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी नमस्ते, बहुत धीरे धीरे बोला सबने, क्यों भाई